जय हिंद दोस्तों, क्या आप प्रीमेचर रिटायरमेंट जा रहे हैं? क्या आप कलर सर्विस करके जा रहे हैं? क्या प्रीमेचर जाने पर घाटा होता है या कलर सर्विस जाने पर कुछ फायदा होता है? यानी ये पेंशन में क्या घाटा होता है, क्या फायदा होता है, क्या बाहर जाने के बाद, पेंशन जाने के बाद हम प्रीमेचर जाएंगे हमारे कुछ बेनिफिट्स कम मिलेंगे? नहीं, आइए बात करते हैं इसी के बारे में। एक छोटा सा वीडियो, इसको अंत तक देखें। जैसा कि सभी हमसे सवाल करते हैं, साहब मैं कलर सर्विस करके जाऊं तो मुझे ये फायदा होगा, या मैं प्रीमेचर जा रहा हूं 15 साल में, मैं हवलदार हूं, मुझे क्या घाटा होने वाला है? आइए क्लियर करता हूं। सबसे पहले, जैसे कि हम जानते हैं, हर एक की सर्विस की टर्म्स ऑफ कंडीशंस होती है बच्चों। जैसे कि सिपाही है जिसके लिए 17 साल सर्विस है, कुछ ट्रेड्स हैं उनके 17+2 साल सर्विस का प्रावधान है, नायक है उसकी 22+2 साल का है, हवलदार है उसकी 24+2 साल का। मैं यहीं तक बात करूंगा आज। यानी ये 2 साल है, अभी ये एक्सटेंशन वाला सिस्टम शुरू हुआ है। तो ये सारी सर्विस है, ये कलर सर्विस है, इससे आप जब यहां तक पहुंचते हो तो इसके बाद 2 साल का और बेनिफिट दे दिया। यानी हवलदार की 24+2, नायक की 22+2, सिपाही की 17+2। अब बात करते हैं, आप प्रीमेचर जाना चाहती है, सपोज करें आप हवलदार हैं, 12 साल में हवलदार बन गए और आप 15 साल कंप्लीट करके पेंशन जाना चाहते हैं, तो आपको क्या घाटा है? बिल्कुल सही बात है। यह पहले ऐसा था जब पे हवलदार की पेंशन यहां से फिक्स थी, नायक की यहां से फिक्स थी, जेसी। अभी सारा जो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट है वो आपकी बेसिक पे के ऊपर निर्भर करता है। वैसे मैंने कई बार बताया, बेसिक पे आप जिस दिन ले रहे हो उस बेसिक पे का डीए, एमएसपी और आपके क्लास पे जो भी, इसी के हिसाब से सारे आपको बेनिफिट मिलने वाले, चाहे आपकी मंथली पेंशन हो, चाहे आपका लीव इन कैश हो, ग्रेच्युटी है, कंपटीशन, सारी चीजें यहां से वर्कआउट होती हैं। अब फायदा नुकसान की बात कर रहा हूं, तो फायदा यह है कि आप 15 साल में सर्विस करके आ रहे हो, आपकी 35 साल के आसपास एज है, आपका सिविल में आपके सेट हो रहे हैं, आप बेहतर है, आप 40 साल से पहले आ रहे हैं, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले होते हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के। यदि आप 12th हैं, 12th बेसिस के ऊपर यदि आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत सारा कम मेहनत करके आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ये तो है प्रीमेचर का फायदा। रही बात ECHS की फैसिलिटीज है, पूरी मिलेगी। सोल्जर जो आपको एक्स सर्विसमैन का जो भी चीज है वो आपको पूरी मिलेगी, चाहे आपको CHD फैसिलिटीज है, ECHS फैसिलिटी, आपके बच्चों की एजुकेशन की फैसिलिटीज है, आपके CA की फैसिलिटीज है, और आप वैलिड हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, सारा मिलेगा। हाँ, आप कलर सर्विस करते हो तो आप देखे हो आपका फौज में फ्यूचर है, और आपकी लाइबिलिटीज ऐसी हैं जो आप फौज में रहकर पूरा करना चाहते हो, आपको सिविल में सेकंड कैरियर नहीं करना है, तो आप आराम से हवलदार 24 साल 26 साल करिए, नायब सूबेदार बनिए, सूबेदार बनिए। उनको भी जब वो जाएंगे तो उनको भी जो फाइनेंशियल है वो उनके बेसिक पे के ऊपर ही मिलने वाला है दोस्तों, और उनको सारे बेनिफिट है। तो अंततः मैं इस कंक्लूजन करना चाहता हूं कि प्रीमेचर जाएं या आप कलर सर्विस करके आए, आप पेंशनेबल सर्विस करके आए, ये जरूरी है, और बेनिफिट सबको बाकी सेम है, और आपकी जो फाइनेंशियल है वो आपकी बेसिक के ऊपर निर्भर करते हैं दोस्तों। ये इस वीडियो में किसी को कोई क्लैरिफिकेशन है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तों। आपको कल परसों आपको वीडियो डालने वाला हूं कि 24 साल से 26 साल का जो ब्रैकेट के जो लोग हैं उनको पेंशन जाने में क्या अमाउंट मिलता है, किस तरीके का अमाउंट है, वो मैं आपके बात करूंगा 10:30 बजे। ये वीडियो परसों आपको डालता हूं, और ये आज का वीडियो आपको कल मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। ये पसंद आए तो ज्यादा से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहली बार मुझे सैनिक जीवन चैनल पर सुन रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।